तो दोस्तों इस कार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मोबाइल की बैटरी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक लॉलीपॉप की स्टिक, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी मैं इसे सुपर ग्लू की मदद से इस बैटरी के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक टेप की मदद से इसे लपेट लूंगा ताकि ये मजबूत हो जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक साइकिल का स्पोक और इसके ऊपर मैं सेलो टेप लपेट रहा हूँ। ये सेलो टेप मैंने लपेट के हो चुका है और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा गियर। इस गियर को मैं साइकिल के स्पोक में कुछ इस तरीके से अटैच कर दूंगा और सुपर ग्लू की मदद से इसे फिक्स कर लूंगा। तो जल्दी से इसे इसके अंदर लगाते हैं। और अब यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों दो बॉटल कैप्स, जैसा कि आप देख सकते हो इसके बीच में मैं ठीक बीचों बीच होल कर रहा हूँ। तो होल्स हो चुके हैं दोस्तों और इसे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। अब तो देखिए दोस्तों काफी बेहतर तरीके से फिक्स हो चुके हैं। अब चलिए आगे के टायर्स बनाते हैं, उसके लिए भी मैंने सेम दो बॉटल्स कैप ले लिए हैं। इनके भी बीच में मैं कुछ इस तरीके से होल्स कर लूंगा। यहां पर मैंने एक साइकिल का स्पोक लिया है, अब मैं इसे इसमें फिक्स कर दूंगा और इसे आगे हम फिक्स कर लेंगे। इसे मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका लूंगा चारों टायर्स को। दोस्तों इस कार को पावर देने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 3 वोल्ट की डीसी मोटर, जिसके साथ एक गियर अटैच है जिसको मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर दूंगा सुपर ग्लू की मदद से। दोस्तों हमारी कार लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ट्रांजिस्टर जिसका नाम है BD140, एक कैपेसिटर ले रहा हूँ 10 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड और एक IR रिसीवर ले रहा हूँ। तो जो वायरिंग कनेक्शन रहेंगे कुछ इस तरीके से आपको करने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका वायरिंग डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इनपुट के लिए आपको ये वायर्स यूज करने हैं और आउटपुट के लिए ये वायर्स रहेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ का टायर निकालता हूँ और यहाँ पे बैटरी के साथ में मैं इसे अटैच कर लेता हूँ इनपुट वोल्टेज में, और यहाँ पे आउटपुट को मैं डायरेक्टली मोटर के यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। हमारी कार बनकर पूरी तरीके से रेडी है। अब हम कोई भी एक टीवी का रिमोट कंट्रोल लेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं एक सेट टॉप बॉक्स का रिमोट कंट्रोल ले रहा हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बेहतर तरीके से कार चल रही है, काफ़ी फास्ट भी है और इसका कनेक्शन भी बहुत ही बेहतर है। तो आप छोटे बच्चों को ये चीज़ बना कर दे सकते हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहो तो किसी अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन जो इसमें कंपोनेंट्स लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो सेम रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका साउंड भी आप सुन सकते हो, काफ़ी बेहतर बनी है दोस्तों, फास्ट भी है और बेहतर चलती है। आप इसका साउंड सुन सकते हो दोस्तों कितनी फास्ट है ये। और यहाँ पर आप दोस्तों कोई भी रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हो, चाहे फिर वो एसी का रिमोट कंट्रोल हो या फिर सेट टॉप बॉक्स या फिर टीवी या फिर कोई और चीज का। आप किसी भी रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ वो IR बेस्ड रिसीवर या फिर IR बेस्ड ट्रांजिस्टर वाला रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज दोस्तों कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं छोटे से टॉय व्हील्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। और मैंने यहाँ पर लिए हैं कार्डबोर्ड के सर्कल, जिसको हम इस टॉय व्हील्स के अंदर डालकर कुछ इस तरीके से फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। ये एक के ऊपर एक डालने के बाद एक पुली की तरह बन जाएगा, जिसे हम गियर भी कह सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसे हॉट ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लेता हूँ टायर के शाफ्ट के साथ। तो इस तरीके से कुछ ये दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लॉलीपॉप के कुछ स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ को मैं इस टायर के शाफ्ट में डालकर टायर को लगा दूंगा। कुछ इस तरीके से हमारा टायर फिर रोटेट करेगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रबर बैंड ले लिया हूँ, जिसको मैं इस पुली के अंदर डाल दूंगा।
यहाँ पर मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का एक टैम्पलेट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे टायर के फिक्स कर दूंगा। इसके बाद आगे का टायर बनाने के लिए मैंने छोटे से स्टॉ को डालकर आगे के टायर को पोजीशन में लॉक करने के लिए यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन की मदद से लॉक कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हुआ भागेगा नहीं। इसे आगे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दूंगा, उसके ऊपर मैं एक डीसी मोटर लगाऊंगा। ये डीसी मोटर 3-5 वोल्ट की होती है, जो कि मैं हाइट पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा टेंशन बना रहे रबर बैंड और टायर्स के पुली के बीच में। कुछ इस तरीके से मैं एक आगे छोटा सा गियर लगाकर इसे लॉक कर दूंगा। यहाँ पर हमने ले लिया है एक आयर रिसीवर, जिसकी मदद से हमारी जो गाड़ी है उसको सिग्नल मिलेगा और उसके बाद मोटर जो है रन करेगी। तो अगर आपको इसके वायरिंग देखने हैं तो वायरिंग डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वायरिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आपको जितने भी वायरिंग के पार्ट्स या वायरिंग होगी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस गाड़ी को पावर देने के लिए मैंने 18650 बैटरी का इस्तेमाल किया है और एक बैटरी होल्डर। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लिया है मैंने BD140, एक कैपेसिटर लिया है 1000 माइक्रोफेरेड का। और कुछ इस तरीके से मैं वायरिंग पार्ट लगा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं इसे आप कहाँ से परचेस कर सकते हो सस्ते से सस्ते रेट में, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों वायरिंग पार्ट कंप्लीट हो गया और मैंने इसे जितना हो सके छोटा बनाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि जो हमारी कार का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है इस वजह से। तो इसे मैं हॉट ग्लू गन की मदद से जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है मोटर को। इसके बाद ये गाड़ी का कुछ लुक इस तरीके से देखता है। तो आप चाहो वैसी बना सकते हो दोस्तों, जो वायरिंग पार्ट है वो सेम रहेगा, बाकी इसका लुक आप चाहो वैसा बना सकते हो। मैंने अपने मर्जी से कुछ इस तरीके से बनाया। और ये मैंने ले लिया एक ऑर्डिनरी रिमोट, टीवी का रिमोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल इसमें सेल बटन है 1.5 वोल्ट के। और इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कार जो है कैसे मूव कर रही है इसके सिग्नल्स को लेकर। तो जो टीवी का रिमोट होता है दोस्तों, उसमें एक आईआर सेंसर होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आयर सेंसर है। और जो हमने गाड़ी में लगाया है वो आयर रिसीवर है। तो आयर रिसीवर सिग्नल देता है ट्रांजिस्टर को और ट्रांजिस्टर उस तरीके से करंट फेंकता है मोटर के लिए। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ज़्यादा जानना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली इसमें तीन ही कंपोनेंट है, एक आयर रिसीवर, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। बाकी मोटर तो आपको एज यूजुअल कोई भी कार बनाने के लिए लगती है। तो देखिए बेहतर चलती है ये कार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने के लिए। तो आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाकर देख सकते हैं ज़रूर से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर जानकारी दी गई पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।